सीधी जिला में लगातार कोरोना के विस्फोट जारी है। हालात यह है कि बीते दो तीन दिन से लगातार कोरोना संक्रमित के आंकड़ा बढ़ रहा है। वह में आज जो है कुल 12 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिनके बारे में अपना के तीन के बारे में पहले जानकारी दी है रहन और अपने वादा के मुताबिक हाजिर रहन अपना पंचन के सेवा में। हम कनिष्ठ तिवारी सभी जनन का प्रणाम करी थे और सभी जन के स्वागत करी थे। अपना पंचन को बताया दी कि सीधी माँ आज 12 नए संक्रमित आए, जो निकले कि अब सीधी माँ कुल संक्रमित संख्या 292 हो चुकी है, एक्टिव संख्या 72 हो चुकी है, दो लोगों की मौत हो चुकी है और जिला में 70 प्लस कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अपना पंचन का जैसा बताया रहे कि सीधी के ट्रू नॉट मशीन में 3 नए संक्रमित आए रहे, जौने में 26 वर्षीय रामगढ़ निवासी एक पत्रकार जो है कोरोना संक्रमित पाए गए रहे, 6 वर्षीय बच्ची विजय फिलिंग के बगल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बच्ची जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई रही, उत्तरी करौंदिया इनका पता है। 30 वर्षीय जो है एक पुरुष जो है केंद्रीय विद्यालय के पास वार्ड नंबर 10 के निवासी आई, ये तीन जो है कोरोना संक्रमित पाए गए रहे। मतलब सीधी के 3 ट्रू नॉट मशीन में कोरोना संक्रमित पाए गए रहे और अपना बच्चे को बताया दी थी। अब पूरी खबर कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई कि आज दिनांक 28 अगस्त का रीवा मेडिकल कॉलेज से 405 रिपोर्ट प्राप्त है, जो उनमें 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं थे सीधी टू नॉट लैब में प्राप्त रिपोर्ट के संख्या में 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। उनके द्वारा बताया गया इनमें जो है 4 व्यक्ति क्रमशः जो है 3 वर्ष 6 वर्ष 24 वर्ष और 32 वर्ष, ये जो है मझौली से ताल्लुकात रखा थे। एवं 32 वर्षीय जो है व्यक्ति जो है करमाई मझौली के निवासी आई। उसके बाद 19 वर्षीय युवक जो है भूमार के निवासी आई। 34 वर्षीय पुरुष जो है रामपुर सिहावल के निवासी आई। 44 वर्षीय पुरुष जो है हिनौती राजगढ़ के निवासी आई। 26 वर्षीय युवक रामगढ़ खैरही सीधी के निवासी आई। 45 वर्षीय पुरुष जो है टिकट बरियामा के निवासी आई। 30 वर्षीय IDBI बैंक के कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय के पास वार्ड नंबर 10 के निवासी आई। उत्तरी करौंदिया के पूर्व संक्रमित के 6 वर्षीय बच्ची जो है कोरोना संक्रमित है आज पाई गई ही। 75 वर्षीय सोनवर्षा के महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और सबका जो है आइसोलेशन वार्ड में ले आवे के प्रक्रिया जारी कर दी गई ही और उनका सबका भर्ती करके बेहतर इलाज दे के बात कही जा लगी। अपना बच्चन को बता दी कि आज जो है सीधी माँ मतलब कुल जो है 5 लोगों का जो है डिस्चार्ज किएगा, उनका स्वास्थ्य लाभ होने के बाद उनका घरे बतौर नियमावली मतलब उनका बतावागा नियम कायदा कि 7 दिन केहू से मिले का नहीं है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आवे का है और कोनों में एक दिक्कत हो तो हमसे मतलब जिला के जो उन टीम ही या कोरोना के नोडल अधिकारी उनसे संपर्क करे के और रिपोर्ट निगेटिव आए के बाद 7 दिन के होम क्वारंटीन में भेज दिन जात है। अपना बच्चे बता दी कि यह सबसे बड़ी बात सीधी की यह है कि जो हालात है सीधी के बेहतरीन से नहीं कहे जा सके कि सीधी माँ वह हर तबका जो है कोरोना संक्रमित हो चुका है जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा है। ऐसे यह बात यह कही लगे कि आज एक पत्रकार जो है कोरोना संक्रमित पाए गए, कुछ दिन पहले डॉक्टर मतलब जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पाए गए, नर्स पाई गई। ओके बाद यदि बात की जाए सब्जी वाले, फिर ओके बाद बाल काटे वाले नाई, फिर ओके बाद यदि बात की जाए तो मतलब एक बेहद बड़े जिला शिक्षा अधिकारी पाए जा चुके हैं। मतलब ये कोरोना की यदि बात की जाए तो वह हर घर घर पहुंच चुका है कोरोना, जहां थोड़ा का लापरवाही की गुंजाइश रही। कहे कि अमूमन यदि देखे जाए तो जो हम पेशा अभी बताएं सब्जी वाले चाय वाले या फिर बाल काटे वाले नाई या डॉक्टर नर्स पत्रकार, यहाँ लापरवाही की गुंजाइश रहा थी। कहे कि सब्जी वाला वह सब्जी बेचत समय थोड़ा बहुत नियमन के कहन कहो दरकिनार कर रहे थे, जो उनके चलते यह सब कहन कहो अब मामला सामने आ रहे हैं। और यह कहा जा सकता था कि प्रशासन की तरफ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में कितने लोग आए वह चीज़ के तलाशब है और उनका सबका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके प्रॉपर जाँच करके और उनका स्वास्थ्य लाभ दे तक के प्रक्रिया जो है बेहद अब जटिल हो जा लगी। कहे कि शुरुआती दौर में कम
संक्रमित संख्या रही, आज संक्रमित संख्या ज़्यादा हो रही है और लगातार संक्रमित संख्या के आवे के चलते कहो न कहो प्रशासन की तरफ एक बेहद बड़ी चुनौती है। तो ऐसे बेहद सतर्क हो जी, बेहद सावधान हो जी। और अपना पंजर की एक बात वो बता दी कि आज डॉक्टर रजदीप गुलेरिया जो एम्स के जो हैं डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि यह कोरोना जो है श्वसन तंत्र में आए के बाद जो है फेफड़े भर का नुकसान नहीं पहुंचावे, यह शरीर के हर अंगन में जो है कहो न कहो ओका प्रभावित करत है और यह कोरोना के नया शोध है जो परेशान कह रहा है लोगन का और लोगन तक यह जानकारी पहुंचे के बाद कहो न कहो एक बेहद बड़ी जो है अब कहे कि कोरोना एक वैश्विक महामारी या नई बीमारी है एक बारे में जो बात आती लागे धीरे धीरे लोगन का पता चलती लागे। अभी तक यह स्थिति है कि वैक्सीन नहीं बन पाई है, वैक्सीन में सिर्फ तीन चीज़ हैं, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी और हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही। वह लोग यह अभी वैश्विक महामारी से यह दौर में बच पाए हैं जे अपने घरे में पूरी तरह से नियमता के नियम के अक्षर से पालन करी नहीं या फिर जे बाहरों निकले हैं घर से ओ नियम के अक्षर से पालन करी नहीं ओ इन या अभी वैश्विक महामारी से बच पाए हैं और आगामी दिनों में हालात बुरे हो के पूरी संभावना है और सरकारन के द्वारा तो यहाँ तक कह दिन गया है कि गैर जिम्मेदाराना जो गैर जिम्मेदार लोग हैं देश के उनके चलते अब कोरोना एक बेहद बड़ा रूप ले रहा है जो ने खितिर या कहा जा सकत है कि अपना बेहद सतर्क हो जी, बेहद सावधान हुई यही और अपन ख्याल रखबे करी किंतु अपने घर के बच्चन के छोट बच्चन के और बुजुर्गन के जरूर ख्याल रखी कहे कि यह दौर जो है बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम पचे लापरवाही जरूर करे लागे हैं किंतु वह लापरवाही केहू का बेहद भारी पड़ सका थी। ऐसे यह बात का बिल्कुल अक्षरशः पालन करी नियमन के कानूनन के जो बनाए गए हैं कहे कि जब सही सतर्कता हुई सही सावधानी बरती गई तब यह वैश्विक महामारी से बचाव संभव है। अपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम।